गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं स्नान कर चुका हूं और धूप निकल आई है। अभी मैं आ गया हूँ छत पे और ये मम्मी देखो कपड़ा फैला रही हैं। आज संडे था तो सारे कपड़े जो है आज धुलाई किए गए हैं। मेरा अभी तक छोटे वाले भाई का था तो कपड़ा धुल के मम्मी जो है फैला रही हैं, कपड़े फैला रही हैं। और आज धूप भी है, धूप ज़्यादा होने के कारण आज हो सकता है जल्दी कपड़ा सूख जाए। मेरा तो कल सूखा ही नहीं था, जल्दी दिन भर लग गया सूखने में। और मैं स्नान कर चुका हूँ और देखते हैं क्या कर रही हैं वाइफ हमारी। तैयारियाँ हो रही हैं सुबह सुबह, अभी चाय नहीं बनी है, तैयारी हो रही है चाय बनाने की। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने कच्चे घर में और यहाँ पे कल नीम का पेड़ है हमारे दुआरे, तो उस पे कल लाइन खींच रहे थे खम्भे में तो डाल वगैरह काटी गई थी। ये नीम की डाल है, कल इसको काटा गया था, आज ला के अपने यहीं कच्चा वाले घर में रख दिए हैं। ये लौकी का पेड़ भी प्रोग्रेस कर रहा है, एक आध महीने में ये इसमें लौकी फल लगने लगेगा। और ये टमाटर का भी पेड़ है, ये भी सब्जी खिलाएगा। यही नीम का पेड़ है मेरा और ये खम्भा है, इसी में कल तार लगाना था तो उसका नीम की डाल काटी गई है, ये कल कनेक्शन हुआ है। तो ये साहिल है दोस्तों, ये मेरे घर के बाहर का सीन है। ये आप लोग देखिए, एक सेफ्टी टैंक बना हुआ है और ये ट्राली खड़ी है। ये ट्राली को पॉलीथीन से ढका गया है क्योंकि बारिश वारिश होती है तो खुली रहती है तो जंग लगने का डर है, इसी वजह से इसको पॉलीथीन से ढक दिया गया है कि बारिश का असर इस पे ना हो। और ये ट्राली बहुत काम आती है गेहूँ काटने के सीज़न में, गेहूँ ढोना है, भूसा ढोना है, ये सब काम में आती है। और ये साहिल देखो साइकिल सीख रहा है, बनने लगी साइकिल, हाँ बनने लगी, चलाओ। अरे अभी नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर बाद चलाएंगे, अभी तो चलाए थे। अरे तो चलाओ सीखो, देखो देखते हैं बनती है कि नहीं तुमसे, चलाओ। देखिए अभी ये सीख रहा है, अरे इससे तो बनने लगी। बस गद्दी पर नहीं बैठते हो का, इसे ही चला लेते हो? तो अभी ये गद्दी पर नहीं बैठ पाता, छोटा है, इसको कैंची कहते हैं, कैंची चला लेता है ना, कैंची चला लेता है बस। दोस्तों जा रहा हूँ खाना खाने, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मार्केट जाना है, देखते हैं क्या बना है आज। आज बनी है उड़द की दाल, उड़द की दाल खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है, अरहर की दाल से उड़द की दाल हमको ज़्यादा अच्छी लगती है। दुधवा ना लाइए होगा, दूध हाँ ले आओ। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं खाना खा चुका हूँ और आप लोग अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिए, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।